घाघरा नदी के गोद में समाहित हुए गांव, एक किशोर की मौत की पुष्टि और 500 घर सहित 150 एकड़ कृषि योग्य भूमि नदी में हुई मिली। खबर बहराइच जनपद की। मिहींपुरवा तहसील के ग्राम पंचायत मजरा के 3 पुरवा किसानों की कृषि योग्य भूमि घाघरा नदी के गोद में समाहित हो चुकी है। मजरा के खैरी गौरी, भजौरे गौरी तथा दोबा पुरवा के लगभग 500 किसानों के घर और कृषि योग्य 150 एकड़ भूमि को घाघरा नदी ने अपना निवाला बना लिया है। मैं दस्तक 24 न्यूज से जिला ब्यूरो अनिल कुमार मौर्य, मैं मजरा ग्राम सभा के जो कटान हो रही है मैं उसका जायजा लेने के लिए ये हमारे भाई साहब जो हैं इनके नाव में बैठा हूँ, और नाव में बैठ के कितनी तेजी से कटान हो रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन जरा इधर दिखाइए, आप गांव समा के लोग जो खड़े हैं ये सब लोग देख रहे हैं, और मैं देखिए नाव में खड़ा हूँ, और नाव में खड़ा होकर मैं जायजा ले रहा हूँ, कुछ दूर जा रहा हूँ नाव में लेकर, और ये भाई साहब लोग जो है मदद कर रहे हैं हमारे और दिखा रहे हैं, देखिए कितना तेज़ी से जो कटान चालू है। और यहाँ का लोगों का कहना भी है, अच्छा बात है, कहना है कि यहाँ पे कितना भी सामान आ जाए और कुछ भी सामान सामग्री मिल आता है या चाहे कोई भी चीज़ आता है तो यहाँ के जो बैठे हुए लोग, जो अब हम उस सब से क्या कहें, उन लोगों को दलाल भी कह सकते हैं और घुसखोर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो खा जाते हैं, इन तक पहुंचता नहीं है। ये सरकार को देखना चाहिए और जो पदाधिकारी हैं उनको ये सब चीज़ देखना चाहिए। तो भैया आप ये में देखते हैं कितना कटान होती है, आप रोज दिन रात दिन नाव में लेके चलते हैं नदी में, तो रोज की रोज होती है। आपका नाम क्या है भैया? गोपी। आपका नाम गोपी है भैया, बता रहे हैं भैया आप लोगों को कुछ राहत मिला है कि नहीं मिला है? देखिए भैया इन लोगों को राहत नहीं मिला है, और देखिए मैं ये घाघरा नदी जो है इस नदी के बीचों बीच में हूँ, नाव पे सफ़र कर रहा हूँ, और इस नाव के सफ़र करते में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद सरकार तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये किस तरह से कटान हो रही है और किस तरीके से लोग खड़े होकर और यहाँ के जायजा ले रहे हैं, और बहुत सा डर है। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़ा था, तो खड़ा होने के कुछ ही देरी पे क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी कुछ आए हुए थे, लोगों को बता रहे थे, शायद अभी भी हैं, और मैं दिखा रहा हूँ ये रोड है, देखिए डामर रोड है, ये हमारे कैमरामैन जो उधर मौर्य हैं ये बेखूबी सब कैमरे में अपने कैच कर रहे हैं, और देखिए यहाँ के हमारे बड़े बुजुर्ग गांव के काफ़ी लोग जो हैं ये आए हुए हैं, और ये देखिए नदी के किनारे किस हालात में, ये देखिए घर था, ये घर अभी रात में कटान। सभी का यही इन लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा कर्जा माफ, घर मिल जाएगा, बोने खाने भर की खेती मिल जाएगी, अगर खेती नहीं भी मिल रहा है तो हमारा कहीं अच्छे जगह मकान मिल जाए जहां बसा दिया जाए, तो हम उसी सरकार को वोट देंगे, अन्यथा हम उस सरकार को वोट नहीं देंगे जो हमारी नहीं सुनता है। यही बात है चाचा जी, कोई समस्या के समाधान मिल रहा है भैया? आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप बताइए जरा, अगर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, यदि सबका खेत कट गया, घर कट गया, यानी कहीं पर भंडारा करवाए थे, कोई भोजन तो पाता कम से कम, ताकि लोग नदी में कूदने को तैयार हुए कि हम डूब जाएंगे, चले जाएंगे, मर जाएंगे, उनको पकड़ा गया, कहा गया कि आत्महत्या मत करो, कहीं ना कहीं राशन पानी या भोजन मिलेगा। तो आपको कोई यहाँ पे प्रशासन या कोई विधायक संसद आया था? कोई नहीं, एक विधायक आया था, उसका नाम भूल गया है, जो अब सपा सरकार से लड़ने वाला है, ठीक, वो आया था, तो कुछ गल्ला कुछ राशन जिन लोगों का घर कट गया था। आपके बीजेपी
सरकार से कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया। बताइए मौजूदा सरकार जो आदित्यनाथ योगी जी का मौजूदा सरकार है, ये बड़ी श्रम की बात है। हम प्रशासन का उल्लंघन नहीं करना चाहते, पर यहाँ आने के बाद इन लोगों का हालत देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनका, देखिए भाई साहब का कहना भी है कि काफ़ी लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, नदी में कूदने जा रहे थे, काफ़ी ग्रामीण के लोग जो हैं वो उनको मना किए और कहे कि भाई यहीं में से किसी में से नहीं, घर गांव में से नहीं इन लोगों का भोजन पानी मिलेगा, आप आत्महत्या मत करिए। अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं सुनती है तो फिर ये सरकार को आप क्या, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, आप लोग तो बताइए सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि लोगों का घर को मतलब घर बसाया जाए, ठीक है, राशन पानी की व्यवस्था कराया जाए। बहुत लोगों का राशन कार्ड भी नहीं है, जो दुखी गरीब हैं और सारा खेत नदी में चला गया और उनके बाल बच्चे छोटे हैं, कमाने वाले भी नहीं है, तो क्या खाएंगे और क्या करेंगे बताइए, वो क्या कर सकते हैं बेचारे। रोड पे पड़े हुए हैं, उनका मतलब बसने की जगह दिया जाए, कोई ना कोई तो जुगाड़ करवाया जाए उनके लिए। हम सरकार से यही गुजारिश, जो यहाँ से जिला हमारा 65 किलोमीटर 67 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर वहाँ से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, अपने इनके रिश्तेदार है जो भी है देखने के लिए हमारा घर बचा है कि नहीं बचा है, पर सरकार का कोई आदमी यहाँ पे, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। इनका कहना यही है कि हम सरकार से, अब सरकार से खुश हैं सरकार भी सब रहने तो सही है। जोर से बोला जाए, आप लोग जो भी बोलिए जोर से बोलिए, कैमरा चालू हमारा। नहीं वो बात तो सही है, जैसे सरकार वहाँ से देती है यहाँ पे धान जो आता है मिलता है, जो देखिए इनका कहना है कि सरकार मुहैया कराती है पर इन लोगों को मिलता नहीं है, तो हमारा सरकार से यही दिन निवेदन है आदित्यनाथ योगी जी से कि ये गरीब दुखियारी लोगों का जो आए हुए हैं इनका जल्द से जल्द कोई निवारण करे। यहाँ अधिकारी आओ जो कोई नहीं आते नहीं, अधिकारी जो आ रहे हैं वो जो उसको देखा जाए तो अधिकारी ठिकाना नहीं है, यहाँ रहने का रोड रोड पड़े हैं या पड़े हैं, यहाँ तो बारिश आ जाती है तो वैसे पड़े रहते हैं। और क्या कहना, मकान तो कट गया है, घर है नहीं भैया बोले तो प्रधान पंद्रह साल से है तो प्रधान, 15 साल से प्रधान है, बताइए ग्राम प्रधान जो इस समय परिक्रमा है, शायद उनकी वाइफ है पुष्पा, क्या नाम है पुष्पा देवी के जो जीती हुई है, पर प्रधानी वही चलाते हैं परिक्रमा जी, जो परिक्रमा प्रधान है वही प्रधानी चलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि प्रधान हमें कुछ नहीं मुहैया कराते हैं, जो आता है वो भी खा जाते हैं, और हमने अभी हमारे कैमरा मैन ने काफ़ी वीडियो शूट किया हुआ है, रोड का इतने जर्जर हालत खराब है और घर गांव में कितनी मकान गिरी हुई है मैंने देखा जाकर गांव में, और इसके बावजूद भी 15 साल जो प्रधान रह चुका है, जब जाइए किनारे किनारे देखो वो पक्का चमक रहे हैं, 10-12 लोगों का कहना है कि सबका घर कट रहा है और खेत कट रहा है, पता नहीं कितने एकड़ बता रहे हैं, हजारों 500-1000 एकड़ खेत गंगा जी में समाहित हो गया। ये लोग रोग आ रहे हैं, घर से बेघर हैं, बिलग हैं, और उसके बावजूद भी प्रशासन आँख बंद करके बैठी पड़ी हुई है, इन लोगों का यही लग रहा है। डामर रोड है, कैमरामैन जरा इधर लाइए, देखिए जरा, और देखिए ये दरार पड़ चुकी है, ये अभी अभी थोड़ी देर में कट जाएगा, देखिए ये देखिए ये ऐसे ही कटते कटते गिर जाएगा पूरी, और ये इस पे अभी तक हमें लग रहा है कि इन लोगों के देखने के वजह से अभी तक कोई प्रशासन यहाँ पे मौजूद नहीं है आना आया, क्योंकि ये महीना भर से कटान चालू है, तो हम दो महीने से मैं भाई से पूछता हूँ, भाई आपका नाम क्या है? जी राजकुमार। राजकुमार,
भैया आप तो इस नदी के किनारे के रहने वाले हैं जी, हमसे ज्यादा जास्तर जानते हैं, बताइए आपका समस्या क्या है जी? समस्या यहाँ समस्या ही है, हाँ। रहने में समस्या, उठने में से किसी तरह भागने में, मकान सारे सब बर्बाद हो चुके, जमीन बर्बाद, बेचारे खाने के लिए तरस रहे हैं, कुछ भी तो नहीं। इस समय आ जाए वोट मांगने तो वोट चप्पल से देंगे हम लोग, बात तो ये। इनका कहना है बाकी अगर सरकार यहाँ पे अगर वोट मांगने आती है इस समय तो कोई भी आएगा तो उन्हें चप्पल से मारा जाएगा। मतलब हमारा ये मकसद नहीं है, सरकार मौजूदा सरकार को आकर देखना चाहिए। और ये ग्रामवासी लोग ज़्यादा आक्रोशित में है, यहाँ तक कि आत्महत्या करने पे भी राजी हैं। और सरकार को शायद इस बात का जी, एक लड़का डूब चुका उसके बारे में कोई बात देखने नहीं आया है जी, कोई बूझने नहीं आया कि डूबा कैसे, डूबा कैसे, मरा कटे ऐसे वाला फटियो चला गया। लड़के का क्या नाम है? उसका नाम है संतोष। संतोष जी, संतोष। आइए हम आपको दिखाते हैं कहाँ से डूबा भाई, आइए दिखाइए जरा, आइए आप लोग, आइए सब लोग, आइए आइए सब लोग, आइए आइए। देखिए ये कटान हमें लग रहा है कि 1 किलोमीटर दूर है किनारे किनारे, इधर से काफ़ी 1 किलो क्या 3 किलोमीटर दूर है। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये पूरा खेत, इन लोगों का फसल लगा हुआ है, इस टाइम धान है, गन्ना है, और ये देखिए हरा फसल अभी तैयार होने वाला है कुछ ही दिन में। फिर भी लोग कटान के वजह से ये अपना गेहूं धान काटते हैं और गन्ने काटते हैं। चाचा जी आप बताइए जरा, आपका भी खेत कट गया? खेत चाचा जी का भी कट गया, आपका गन्ना? गन्ना कट गया। देखिए चाचा जी गन्ना लेकर जा रहे हैं काट के, जो उनका बह गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले किशोर अपने खेत में धान की अधपका फसल को काट रहा था, तभी अचानक नदी के तेज कटान हुआ जिसकी वजह से वो नदी में जा गिरा। प्रशासन के तरफ से युवक को स्ट्रीमर से खोजा गया पर उस किशोर का सुराग नहीं मिला। यहाँ के किसानों का कहना है कि हम अपने खेतों पर बैंक द्वारा कर्ज लिए हैं, अब हमारे पास जमीन नहीं है तो हम बैंक का कर्ज कहाँ से अदा करेंगे, हमारी समस्या को कोई जन प्रतिनिधि भी नहीं समझ रहा है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का भविष्य गर्त में है। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।